सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहले एक नजर मार लेने हैं सुर्खियों के वल। यूक्रेन जंग कारण भारत नूं मिलिया बाजार। मिसर ने भारत नूं कणक वजों दित्ती मंजूरी। भारत तों 1 मिलियन कणक दरामद करना चाहुंदा है मिसर। आम आदमी पार्टी की राह ते तुरी बीजेपी। पंजाब तो पहले हिमाचल सरकार ने किया 125 यूनिट फ्री बिजली। महिलावां नूं एचआरटीसी दीआं बसां किराए विच 50% छोट देण दा कीता ऐलान। पंजाब सरकार अज किसानां नूं करेगी करोड़ रुपए तो वध एमएसपी दा भुगतान। केंद्रीय टीमां वल्लों 17 जिलिआं दा मुकम्मल काम। हुण खबरां विस्थार दे नाल। वनज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूक्रेन ते रूस तों कणक दे सब तों वड्डे दरामदकार मिसर ने भारत नूं कणक सप्लायर वजों मंजूरी दित्ती है। रूस ते यूक्रेन विचाले चल रहे टकराव कारण ग्लोबल बाजारां च कणक दी उपलब्धता च भारी गिरावट आई है। इह दोवें देश कणक दे प्रमुख उत्पादक ते निर्यातक ने। मिसर भारत तों 1 मिलियन टन कणक दरामद करना चाहुंदा ते अप्रैल विच उस नूं 2,40,000 टन कणक दी लोड़ पवेगी। गोयल ने ट्वीट कीता है कि भारतीय किसान दुनिया दा ढिड भर रहे ने। मिसर ने भारत नूं कणक सप्लायर वजों मंजूरी दित्ती है। विश्व टिकाऊ भोजन सप्लाई दे भरोसेयोग विकल्प स्रोत दी भाल विच है ते मोदी सरकार अगे आई है। साडे किसानां ने भंडार भर के रखे ने ते असीं दुनिया दी सेवा लई तैयार हां। हिमाचल च होण वालियां चोणां तों पहलां भाजपा ने जनता नूं लुभाउण लई मुफ्त कार्ड चला दित्ता। हिमाचल दिवस ते चंबा च करवाए प्रोग्राम च मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वड्डे ऐलान कीते ने। हिमाचल प्रदेश दे सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश दे लोकां नूं तोहफा देंदे होए सूबे च 125 यूनिट तक मुफ्त घरेलू बिजली दित्ती है। इस नाल ही हिमाचल दीआं औरतां नूं एचआरटीसी दीआं बसां विच किराए विच 50% छोट देण दी गल कही है। इस नाल ही पेंडू खेतरां विच रहिण वाले लोकां दे पाणी दे बिल वी पूरी तरह माफ किए जाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर के इस ऐलान तो बाद हिमाचल च होने वाली चोणों से काफी असर पवेगा। 75वें हिमाचल दिवस से राज पद्धरी समागम विच ऐलान करदे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पहला सूबे के लोगों 60 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाती सी पर हुण 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वालों अगले साल तो 10वीं ते 12वीं की प्रीख्या एक टर्म च करवाई जाएगी। अगले सैशन तो प्रीख्या दो टर्मा विच नहीं होगी। कोरोना कारण बोर्ड वालों इस साल सैशन 2022-23 की 10वीं-12वीं की प्रीख्या दो टर्मा च करवाई जा रही है। पहली टर्म की प्रीख्या का नतीजा भी जारी कर दिया गया। इस नाल ही दूजे टर्म की प्रीख्या 26 अप्रैल तो होगी। हालांकि बोर्ड वालों हाले तक इसका ऐलान नहीं किया गया पर मनिया जा रहा है कि इसका ऐलान टर्म दो की प्रीख्या खत्म होने तो बाद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारामुला जिले के पतन विच दहशतगर्दा ने सरपंच मंजूर अहमद बांगरू ते गोलियां चलाईयां जिसकी हस्पताल ले जाण वेले मौत हो गई। यह घटना गौशबुग खेतर विच वापरी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दा की भाल लई खेतर की नाकाबंदी कर ली है। बारामुला विच दहशतगर्दा वालों सरपंच की गोलियां मार के हत्या कर दी गई। पंजाब च पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना कारण कोई मौत नहीं हुई है जदों की 9 नवे केस सामने आए ने जिस कारण एक्टिव मरीजों की गिनती 57 हो गई जदों की सूबे विच हुण तक कुल पॉजिटिव मरीजों की गिनती 7,59,243 हो गई है जदों की 7,41,443 मरीज ठीक होकर घरां नूं परत चुके ने।
पंजाब सरकार 2000 करोड़ रुपए तो वध दे एमएसपी भुगतान नूं किसानां दे बैंक खातियां विच ट्रांसफर करेगी। यह प्रगटावा करदे होए अज राज सरकार दे बुलारे ने दस्सिया कि पंजाब सरकार वल्लों हुण तक किसानां नूं 828 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके ने। हुण विभाग ने 2137 करोड़ रुपए के भुगतान की प्रक्रिया से मंजूरी दी है ते भलके बैंकों वालों यह राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करवा दी जाएगी। मंडियों में सुंगड़े हुए अनाज की आमद का जायजा लेने केंद्रीय टीमों के चल रहे दौरे बारे पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि टीमों वालों 17 जिलों का सर्वेक्षण किया जा चुका है तो उम्मीद है कि भलके बाकी 6 जिलों को भी कवर कर लिया जाएगा। रात भर पए मीह और मंडियों में खड़े पानी कारण खरीद कार्यों में आने वाले विघन बारे उन्होंने कहा कि मंडी बोर्ड के अधिकारियों ने मंडियों में खड़े पानी की निकासी यकीनी बनाने लई रात भर काम किया सी ते सिटे वजों खरीद कार्य विच अज एक मिनट भी विघन नहीं पिया। खरीद की चल रही स्थिति बारे होर जानकारी दिंदे बुलारे ने दस्सिया कि सूबे विच कणक की आमद सिखर ते पहुंच गई है ते अज एक दिन विच 8.2 लाख टन तो वध कणक की आमद हुई है। हुण तक मंडियों दे विच 36 लाख टन कणक की आमद हो चुकी है ते सरकारी खरीद एजेंसियां 33 लाख टन कणक की खरीद कर चुकी ने। सूबे भर में पई अनबिकी कणक की कुल मात्रा महज 3 लाख टन है जो कि एक दिन की आमद का 40% है, जिस तो पता लगता है कि मंडिया का काम बहुत ही सुचारू ढंग चल रहा है ते दिन की 60% तो वध आमद उस दिन ही खरीदी जा रही है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल प्रकाश पुरब न समर्पित लाल किले से 20 ते 21 अप्रैल होने वाले समागम लिए 5 मैंबरी कमेटी का गठन किया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ते जनरल सकत्तर जगदीप सिंह कालों ने दस्सिया कि कमेटी भारत सरकार वालों आयोजित किए जा रहे इन्होंने 2 रोजा प्रोग्रामा लिए हर तरीके के काम नजिठेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी इन्होंने शानदार समागम वास्ते भारत सरकार को हर लोड़ींदा सहयोग देगी। उन्होंने दस्सिया कि यह फैसले आज हुई दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की कार्यकारिणी कमेटी की मीटिंग विच ले गए हैं, जिस 5 मैंबरी कमेटी के विच सीनियर मीत प्रधान हरविंदर सिंह के पी आत्मा सिंह लुबाणा यूनियन मीत प्रधान जसमेन सिंह नोनी ज्वाइंट सकत्तर गुरमीत सिंह भाटिया कार्यकारिणी मैंबर ते चार्टर्ड अकाउंटेंट गुरमीत सिंह भाटिया शामिल है। इस कमेटी नूं डीजीएम अकाउंट सुखविंदर सहयोग देंगे। इत्थे दस्सणयोग है कि भारत सरकार लाल किले ते 20 ते 21 अप्रैल नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल प्रकाश पुरब के संबंध में 2 रोजा समागम करवा रही है। श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के ज्योति जोत दिवस मौके गुरुद्वारा बाला साहिब विखे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों विशेष गुरमत समागम करवाए गए, जिस दौरान पंथ प्रसिद्ध रागी जंथिया ने संगतों नूं कीर्तन सरवण करवाया। इस मौके दिल्ली कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन जसप्रीत सिंह करमसर ने हाजरी भरी। अज 8वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का ज्योति जोत पुरब गुरुद्वारा बाला साहिब विखे मना रहे हैं, जिथे काफ़ी गिणती दे विच संगतां नतमस्तक होने वास्ते पहुंचियां ने। दास ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान मेरे नाल जसमेर सिंह मासी जी भी पहुंचे ने नतमस्तक होने वास्ते। साहिब श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह जो कि सानू इहोजा सिद्धांत दे के गए ने एके दा, जिन्होंने जदों आके दिल्ली में सेवावां कीतियां ते कदे किसी का धर्म नहीं पुछिया, जात नहीं पुछी, उन्हां दी निरपक्ष होकर सेवा की, जिस तरह ना को बैरी नहे बेगाना सगल संघ हमको बने आई। इस तरह जदों गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के नाँ ते जिहड़े होस्पिटल चलते हैं गुरुद्वारा साहब के गुरुद्वारा कमेटियां चला रही ने, इत्थे जिन्हें भी भावें कोई डायलिसिस करवाउण आउंदा है चाहे इलाज करवाउण आउंदा है किसी का कदे नाम या जात नहीं पुछी जाती, निरपक्ष होकर सेवावां कीतियां जांदियां ने। गुरु तेग बहादुर साहब का अज गुरतागदी दिवस है, जिन्होंने सानू शहादतों का एक वो दौर दसिया जिथे कि शहादत जड़ी हुई वो कोई अपने इंटरस्ट वास्ते नहीं या अपनी किसी जायदाद या अपने किसी राजपाट को वधाने वास्ते नहीं, मनुखता की सेवा वास्ते। जो देखा कि मनुखता भीड़ दे विच हैगी है तो ऐसा लगा कि सानू बलिदान देना पैना, उन्हें बलिदान दिता और सानू वो चीज़ सिखाई जिहड़ी कि दुनिया के इतिहास के किधरे नहीं मिलती। मैं यही गुरु साहब चरणों में बेनती करांगा कि सानू साड़ी विरासत नाल जोड़ के रखन, गुरबाणी नाल जोड़ के रखन और संगतों के चरणों भी यही बेनती है कि गुरबाणी नाल जुड़ो, गुरु शब्द नाल जुड़ो और अपना जीवन सोहला करो।
5 ते 6 अप्रैल की रात नूं दौणकलां वासी धर्मिंदर सिंह भिंदा का कतल करके फरार होए नौजवानों विचों दो नूं होर काबू कर लिया गया। गैंगस्टरां दे खात्मे लई मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों हाल ही विच बनाई गई AGTF दे मुखी प्रमोद बान ने यह जानकारी अज पटियाला विखे प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान दी। उन्होंने दस्सिया कि काबू किया गया मुलजम हरवीर सिंह दौण गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का मैंबर है, जिसके नाल ही तेजिंदर सिंह फौजी वासी दौण नूं भी काबू किया गया। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ AGPF ਦੇ AIG ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ DSP ਬਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਂਜ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਜੇ 2 ਜਣੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਤੇ ਬੋਨੀ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਥੇੜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ते पंजाब पटियाला पुलिस वी हैव वर्क जॉइंटली और जो मेन अक्यूज सीगा दे विच इनू असी कल अरेस्ट किया है उत्तराखंड देहरादून। सबसीक्वेंटली सेकेंड को अक्यूज जो तेजिंदर सिंह फौजी ही हैज ऑलसो बीन अरेस्टिड एंड ऑल एफर्ट्स आर बीइंग मेड कि जो बाकी रहते दो दोषी है जो छेती तो छेती फड़े जाए। सारे स्टेट दे विच जिथे भी कोई गैंगस्टर रिलेटेड क्राइम हैगा या कोई भी बंदा जिहड़ा कि इन एक्टिविटीज दे विच इंडल्ज कर रहा, इट शुड बी अ क्लीयर मैसेज टू दैम कि पंजाब पुलिस जदों कोई हेड ऑन टेक ऑन करती है तो वी विल टेक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट दैम। जिला फतेहगढ़ साहब की पुलिस ने NDPS सैक्टर अधीन मुकदमे दर्ज करके वख-वख मामलों में 17 दोषियों को गिरफ्तार किया। SPD फतेहगढ़ साहब राजपाल सिंह हुंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करते हुए बताया कि 3 किलो अफीम, 10 किलो भुक्की, 1 किलो गांजा, 50 ग्राम स्मैक से 10 ग्राम हैरोइन बरामद की गई। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही एक्साइज एक्ट अधीन मुकदमा दर्ज करके 3 दोषियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हों पास 450 लीटर शराब बरामद की गई है। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतनी समाप्त होता है। नवीं ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे, तद तक लिए इजाजत दियो, धन्यवाद।